आपने स्ट्रिंग थ्योरी को डिस्क्राइब करते हुए लोगों को तो सुना ही होगा, एज दीज आर टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स एंड जिससे सारे फोर्सेस, सारे पार्टिकल्स इंक्लूडिंग ग्रेविटी, ये सारा यूनिवर्स हम सब आए हैं। ये जितने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता उतने ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करता है। स्ट्रिंग्स ही क्यों, और ये किससे बने होते हैं, और ये एक्स्ट्रा डायमेंशन का क्या चक्कर है? हम सब लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल इनकम्प्लीट है एज विदाउट ग्रेविटी, और ऊपर से उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइजली मैथमेटिकली फाइन ट्यून चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एज वी नीड टू यूज फिजिकल मेजरमेंट्स टू फिक्स 19 पैरामीटर्स लाइक मासेस ऑफ पार्टिकल एंड देन देयर इज ग्रेविटी विच डज नॉट फिट इनटू द स्टैंडर्ड मॉडल एट ऑल। तो हमें कुछ एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो ये सब कुछ फंडामेंटली आसानी तरीके से एक्सप्लेन कर सके इन अ डीपर सेंस, और इन सब चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सके, जिसको हम लोग कह सकें कि ये ट्रूली द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। तो आज हम बस यही जानेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, ये कहना क्या चाहती है, और क्या ये सब कुछ डीपर सेंस में आसानी से हैंडल कर सकती है। लेकिन ये क्रेजी आइडिया आया कहाँ से, कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ही क्यों, या फिर कुछ और दूसरी वाइब्रेटिंग चीज़ क्यों नहीं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स का ही क्यों चक्कर आया। तो चलिए अब थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। ये सब 60s की स्टार्टिंग में शुरू होता है जब लोग हाइड्रॉन्स की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाइड्रॉन्स जो कि क्वार्क्स का कलेक्शन होता है जो कि ग्लूऑन से बाउंडेड होता है ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इंक्लूड करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज वेल एज मिसॉन, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क का। मिसॉन के पेयर के बीच के इंटरेक्शन की पिक्युलरिटीज और उसके एंगुलर मोमेंटम और मास के बीच में क्या ऑड रिलेशनशिप हमें सजेस्ट करता है कि क्वार्क्स इन द मिसॉन कनेक्टेड होते हैं, हाँ यू गेस इट राइट, स्ट्रिंग से। और इस केस में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो बने होते हैं स्ट्रेच्ड आउट ट्यूब से और द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ग्लूऑन्स के वाइब्रेटिंग इलास्टिक बैंड से बने होते हैं। बहुत ज़्यादा काम किया गया एक क्वांटम थ्योरी ढूंढने के लिए फॉर द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, जिसकी बेस हो हमारी फिजिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स पर। द थ्योरी हैड सम सक्सेस बट गॉट स्टक एंड वॉज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय द क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। एक रीज़न ये भी है स्ट्रॉन्ग फोर्स वाले स्ट्रिंग थ्योरी के स्टक होने के, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करता है अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड वाइब्रेशनल मोड्स इन द स्ट्रिंग्स ऑफ द ग्लूऑन फील्ड के। वाइब्रेशनल मोड्स, अब ये वाइब्रेशनल मोड्स क्या होते हैं क्वांटम फील्ड में? इट्स अ पार्टिकल एंड वन ऑफ दोज वाइब्रेशनल मोड्स अपीयर्स टू बी मासलेस स्पिन टू पार्टिकल। लेकिन मासलेस वो भी स्पिन टू के साथ, ऐसा तो सिर्फ एक ही हाइपोथेटिकल पार्टिकल हम लोग प्रिडिक्ट किया हुआ है जो कि है ग्रेविटॉन, द कंजेक्चर्ड क्वांटम पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड क्वांटम पार्टिकल से बना है? लेकिन बना हो भी सकता है, हम नहीं जानते, अगर बना होगा भी तो देन द क्वांटा ऑफ ग्रेविटी शुड हैव एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द टाइप ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय दिस लिटिल इन्वेस्टिगेशन इनटू हाइड्रोनिक स्ट्रिंग्स। लेकिन मान के रखिए कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि ग्रेविटॉन जैसा पार्टिकल अपीयर करे इस तरीके के कोई स्ट्रिंग में। यही लोगों को रियलाइज हुआ इन अर्ली 70s, एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया। मिसॉन को छोड़ो, क्या होगा कि इस थ्योरी की मैथ्स को हम यूज कर सके इन द थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी में? क्या होगा जब सारे फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए फ्रॉम द ऑसिलेशंस इन टाइनी स्ट्रिंग्स? हमें इसके लिए करना ही क्या है, बस स्ट्रिंग्स को थोड़ा छोटा करना है, लाइक 20 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर, उतनी भी बड़ी बात नहीं है। श्रिंकिंग फ्रॉम द साइज ऑफ अ प्रोटॉन टू द प्लैंक स्केल, रफली द डिफरेंस जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लेकर के हमारे लिविंग रूम जितनी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, बस हमें 22 नए डायमेंशंस ही तो ऐड करने हैं हमारे 4 फेमिलियर डायमेंशंस में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वेल, जोक्स अपार्ट, ये है हमारी सो कॉल्ड बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी। अगर ये थ्योरी काम कर जाती तो ये बेस्ट कैंडिडेट होती फॉर द ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, जो कि कंबाइन करती सारे नॉन फोर्सेस को। लेकिन वेट, सिर्फ यहीं पे क्यों रुके? अगर ये विगली स्ट्रिंग्स एक्सप्लेन कर पाती हमारे फोर्स कैरिंग बोसॉन्स को, तो फोमियॉन्स को क्यों नहीं?
जिससे सारा मैटर बना है। 70s और 80s के टाइम पर सुपर सिमेट्री के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया फर्मियंस और बोसॉन्स को सेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में लाने के लिए, जिसका रिजल्ट आया द सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि दावा करती थी हमारे एंटायर रियलिटी के सारे मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करने की। अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि हमारे सो कॉल्ड बोसॉनिक थ्योरी के 22 डायमेंशंस में से कुछ डायमेंशंस गायब भी कर देती थी। अब हमें सिर्फ 10 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती थी फर्मियंस के ऐड हो जाने से। देन इन 1995 एड विटन ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को एक साथ लाया इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क, जिनको उन्होंने एम थ्योरी कहा। सब कुछ एक सिंगल फ्रेमवर्क में, बस एक एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन को उनको ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से 10 से 11 डायमेंशंस हो गए। तो मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रिंग थ्योरी की हिस्ट्री काफ़ी है, फ्रॉम सो कॉल्ड बोसॉनिक थ्योरी से सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, फ्रॉम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से हमारी एम थ्योरी। तो चलिए अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। सो ये विगली स्ट्रिंग्स होल यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम है। तो इन क्वांटम स्ट्रिंग्स को समझने से पहले हमें रेगुलर स्ट्रिंग्स कैसी होती हैं ये भी तो पता होना चाहिए। ये स्ट्रिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एज ये स्ट्रिंग्स वेव्स कैरी करती हैं। तो इफ़ स्ट्रिंग्स हैज़ एंड्स या फिर वो किसी लूप में टाइड है, देन द वेव विल एंड अप ओवरलैपिंग विद इटसेल्फ। इन दैट केस यू गेट अ स्टैंडिंग वेव। रफली स्पीकिंग, जब कोई ट्रेवलिंग वेव ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ, तो वो तो या फिर स्टैकअप हो जाती हैं या कैंसिल आउट हो जाती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब वेव की वेव लेंथ फिट्स अ नीड नंबर ऑफ टाइम्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तभी ओवरलैपिंग वेव्स की फेज सही तरीके से मैच करेगी और तभी वेव की वेव लेंथ या फ्रिक्वेंसी एनहेंस होगी और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। इसका रिजल्ट ये है कि फॉर अ गिवन स्ट्रिंग ओनली सर्टेन फ्रिक्वेंसीज कोरेस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन एनर्जी आर पॉसिबल, और ये जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी वो डिपेंड करेंगी हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स पर और उसकी टेंशन, जो कि वेव वेलोसिटी को डिफाइन करती है और इस तरीके से फ्रिक्वेंसी को वेव लेंथ से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लीड्स टू अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन अ गिटार स्ट्रिंग, और ऐसा बिहेवियर जहाँ पर ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी मोड्स ही अलाउड हो साउंड्स वेरी क्वांटम लाइक। और स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ही पहले नहीं थे जिन्होंने इन बातों को नोटिस किया था। नील्स बोर सबसे पहले क्वांटम मॉडल लेके आए थे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का बाय थिंकिंग देम एज अ रिंग लाइक स्टैंडिंग वेव्स अराउंड द हाइड्रोजन एटम, बट क्वांटम स्ट्रिंग्स आर मच मोर एम्बिशियस देन बोरिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। और उम्मीद एकदम सही साबित हुई, एज वो जो डिस्क्रीट वाइब्रेशनल मोड्स थे वो अलग अलग नोन पार्टिकल की प्रॉपर्टी से मैच कर रहे थे। जो पार्टिकल का मास होता है वो आता है फ्रॉम द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट्स टेंशन। टेंशन इज आफ्टर ऑल जस्ट एनर्जी पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करती है उसके मास को, और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल मोड्स पॉसिबल हैं ये भी डिफाइन करती है, और वो मोड्स इन टर्न डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, लाइक उसके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, उसकी स्पिन क्या होगी। सो दिस इज द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, कि बस एक सिंगल पैरामीटर जैसे कि स्ट्रिंग टेंशन और इक्विवेलेंटली स्ट्रिंग लेंथ स्केल को डिफाइन करने भर से जितनी भी पॉसिबल पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती हैं उनके प्रॉपर्टीज के साथ। अगर कंपेयर करें हम इस थ्योरी की एक पैरामीटर की ज़रूरत को टू द 19 फ्री पैरामीटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल, तो ये हमें ज़्यादा क्लोजर फील होती है टू अ फंडामेंटल थ्योरी। ओके, रीकैप, वी हैव दीज प्लैंक स्केल्स वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो कि लूप्स में या फिर एक्सटेंडेड हो सकते हैं, उनके पास वाइब्रेशनल मोड्स होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज। बाय द वे, ये वाइब्रेशंस द स्टैंडिंग वेव्स आर नॉट सम अब्स्ट्रैक्ट इंटरनल वेव्स, ये स्ट्रिंग्स रियल फिजिकल स्टैंड होती हैं और ये वेव सच में विगल कर रही होती हैं इन एक्चुअल स्पेस। बट फिजिकल स्टैंड ऑफ वॉट, इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये प्योर मास एनर्जी से बनी हो सकती हैं, या फिर ये फंडामेंटल इरिड्यूसिबल एग्जिस्टेंस है, या फिर ये टॉपोलॉजिकल इरेगुलरिटीज हैं इन द फैब्रिक ऑफ रियलिटी के, या फिर सबसे कॉमन आंसर, इट्स अ मीनिंगलेस क्वेश्चन, ये फंडामेंटल है तो ये किसी भी चीज़ से नहीं बनी। अगर आपको इतना ही जानना है तो एक मटेरियल है जिससे ये बनी हो सकती है, इसका नाम है शटअप एंड कैलकुलेटोनियम। वेल, जोक्स अपार्ट,
लेकिन ज़्यादातर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये करती क्या है, ना कि इसमें कि ये किस चीज़ से बनी है। तो ये क्या करती हैं? ऑब्वियसली ये वाइब्रेट करती हैं, ये स्ट्रेच हो सकती हैं, मर्ज हो सकती हैं, स्प्लिट अपार्ट हो सकती हैं। ये लास्ट की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म देती हैं स्ट्रिंग थ्योरी के पार्टिकल्स को कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें या फिर डीके कर सकें एक दूसरे के साथ। ये पिक्चर ऑफ स्ट्रिंग्स एक साथ जुड़ने के और एक दूसरे से अलग होने के बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस थ्योरी की। इट सॉल्व्स मेन प्रॉब्लम विद क्वांटाइजिंग ग्रेविटी। अगर आप स्मॉलर स्केल पर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो उस स्केल पे जो एनर्जीज रिक्वायर्ड होंगी वो प्रोड्यूस कर देंगी ब्लैक होल्स। देयर इज नो वे टू इवन थिंक अबाउट द शेप ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ प्लैंक स्केल। और यहीं पे स्ट्रिंग थ्योरी सब ठीक करती है। वो ग्रेविटॉन को एज अ पार्टिकल नहीं, एज अ लूप प्रिडिक्ट करती है। तो ऐसे स्ट्रिंग से इंटरेक्शन जो कि अवॉइड करती है मैथमेटिकल इन्फिनिटीज के एक्सप्लोजन होने से, जो कि आपको प्लैंक स्केल से नीचे मिलेंगी। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये 1D स्ट्रिंग्स के अलावा किसी और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में काम नहीं करती। सो वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग्स यस, ड्रम स्किन्स नो। अनफॉर्चुनेटली ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये स्ट्रिंग्स होती भले ही वन डायमेंशनल है, लेकिन इनको नॉन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 स्पेस डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन में वाइब्रेट करना होता है। इनफैक्ट अगर प्रिसाइजली बताया जाए तो 9 स्पेशल डायमेंशंस में, n+1 फॉर टाइम, n+1 फॉर एम थ्योरी, जिसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन विदाउट एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ डायमेंशंस ना तो हमको ग्रेविटॉन मिलेगा या फिर ना तो हमें कोई और मासलेस पार्टिकल, और क्यों नहीं मिलेगा ये हम लोग फ्यूचर एपिसोड्स में देखेंगे। और ये कहना गलत नहीं लग रहा होगा कि ये जिस तरह की बातें बता रही है ये थ्योरी, ये हमारे यूनिवर्स तो नहीं लगता, हमारा 3D यूनिवर्स तो ये हमारा नहीं लगता। लेकिन ऐसी चीज़ें स्ट्रिंग थ्योरिस्ट को कहाँ रोकने वाली हैं। एक तरीका है इन एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस को हमारे परसीव्ड 3D यूनिवर्स में कंसिस्टेंट तरीके से जोड़ने का। उसको समझने के लिए इमेजिन करिए कि हम लोग एक 2D फ्लैट लैंड यूनिवर्स में रहते हैं। वी ओनली परसीव द जायंट एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। लेकिन क्या होगा कि ये फ्लैट लैंड अगर ट्रूली फ्लैट ना हुआ तो क्या होगा कि एक जेड डायरेक्शन भी हो विच हैज़ अ टाइनी विथ। ये एक पैकमैन डायमेंशन है। ट्रेवल द टाइनी विथ ऑफ दिस डायमेंशन एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ बैक वेयर यू स्टार्टेड। सिर्फ बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक क्वांटम स्ट्रिंग्स इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें ऑसिलेट कर सकते हैं। हम बड़े बड़े फ्लैट लैंडर्स को जिसका क्लू भी नहीं होगा कि ये ऐसा कोई डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। तो नाउ स्केल दिस अप टू 3 लार्ज डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड 6 टाइनी पैकमैन डायमेंशंस, जो कि सिर्फ स्ट्रिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अरे वाह, स्ट्रिंग थ्योरी सेव्ड। मॉडर्न एम थ्योरी प्रपोज करती है एक लार्ज एडिशनल स्पेशल डायमेंशन। हमारे यूनिवर्स की ये 3D स्पेस, 1 डायमेंशनल टाइम, एक फ्लैटलैंड की तरह इस 5D ऑब्जेक्ट पर, जिसको कि हम लोग 5 ब्रेन कहते हैं। एम थ्योरी यूनाइट करती है अलग अलग तरह की स्ट्रिंग थ्योरीज को, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करती है सम फिलोसफिकल फैसिनेटिंग ड्यूअलिटीज को बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द डायमेंशंस। अल्टीमेटली इट ऑल्सो लीड्स टू द अल्टीमेट ड्यूअलिटी, जो कि ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल, सबर करिए उस पर भी आएंगे। स्ट्रिंग का एग्जैक्ट बिहेवियर डिपेंड करता है उसके कॉम्पैक्ट डायमेंशन की शेप पर। इनफैक्ट द सिंगल फ्री पैरामीटर इन द स्ट्रिंग थ्योरी बिकम्स द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा डायमेंशंस। आप इस स्ट्रिंग लैंडस्केप पर राइट लोकेशन ढूंढिए और आप अपने यूनिवर्स को परफेक्टली डिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एस्टिमेटेड है कि 10^500 पॉसिबल चॉइसेस होंगे हमारे पास कि राइट लोकेशन कहाँ है, एंड ऑलमोस्ट नो वे टू फिगर आउट विच वन इज आवर्स। इस समय स्ट्रिंग थ्योरी किसी काम की नहीं लगती ना, एज इसने कोई भी कन्फर्म प्रडिक्शन नहीं दिया, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा एक टेस्टेबल प्रडिक्शन नहीं किया। स्ट्रिंग लैंडस्केप को ट्यून करना ताकि वो हमारी यूनिवर्स से मैच कर सके बहुत ही पेचीदा और एक तरीके से इम्पॉसिबल काम है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये जो प्रॉमिसेस करती है और इसकी एलिगेंस की वजह से इसको बहुत लोग इससे अभी भी कन्विंस्ड हैं कि ये सही हो सकती है या फिर ये एक सही रास्ता हो सकता है। आगे के एपिसोड्स में देखा जाएगा कि कैसे सही हो सकती है या फिर कैसे गलत हो सकती है। मुझे लगता है आप लोगों को स्ट्रिंग्स को समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी तो आई हुई होगी, थोड़ी सी। तो टिल देन, टाटा, बाय बाय। आई एम नॉट अ गॉड।
I am not a devil. I am Dark Void.